चैनल पर जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। पिछले क्लास तक आप लोगों को मैं डायपोल के बारे में बता चुका हूं कि डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, और यदि डायपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां तक का क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज का क्लास फिर से डायपोल के बेस पर है। डायपोल को जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर कितना फोर्स लगता है, क्या फील्ड दे सकता है, ठीक है, इस चीज पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला आज का लेक्चर। शायद ये लेक्चर नंबर 5 होगा मेरे हिसाब से, अदरवाइज आप लोग देख लोगे कि क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया था फील्ड लाइंस में कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बारे में बताया था कि अगर कोई फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का गैप ऑलवेज इक्वल है, तो वैसे फील्ड लाइंस को कहते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस फील्ड लाइन का खासियत था कि इस यूनिफॉर्म फील्ड लाइन में कहीं पर भी अगर हम किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकाले तो हर जगह फील्ड क्या होता था, इक्वल आता था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ये रहा हमारा, मान लिया जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इसके बीच में एक डायपोल रख दिया जाता है। मान लेते हैं ये हमारा डायपोल है, एक तरफ चार्ज माइनस क्यू, एक तरफ चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, डायपोल का क्या होता है, एक तरफ चार्ज प्लस क्यू, एक तरफ चार्ज माइनस क्यू, अनलाइक चार्जेस। और ये मान लेते हैं इसका क्या है, ओरिजिन है, सेंटर है, ओ मान लिया गया। डायपोल का टोटल लेंथ कितना होता है, 12। ठीक है, फिजिक्स रटने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखिए, समझिए। वो अगर समझ में आ रहा है, वो अगर ध्यान में है, तो फिजिक्स बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, जैसे कि डायपोल, जैसे ही डायपोल का नाम याद आए, जैसे ही डायपोल का नाम सुना जाए, वैसे ही आप लोग के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों तरफ सेम चार्ज होना चाहिए, बट दोनों का माइनस और प्लस में रहना चाहिए। ठीक है, तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 होना चाहिए, बीच वाले को ओरिजिन कहते हैं, इधर एल तो इधर क्या हो जाएगा एल, इतना बार ध्यान रहना चाहिए। जैसे ही डायपोल आए इतना बार ध्यान आ जाना चाहिए। तो अगर ये छोटी छोटी बातें याद रहती है तो फिजिक्स पढ़ना बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये डायपोल है, मान लेते हैं इधर का लेंथ L, तो इधर का भी लेंथ कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ये इतना दूर L, इतना दूर L, टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब इस डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये चार्ज इस फील्ड के कारण क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफ बराबर क्यू इंटू ई, या फिर अगर ऐसे नहीं याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा, मतलब जहां चार्ज है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चार्ज उस फील्ड के कारण क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाना चालू करेगा। और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो चार्ज के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, होगा कि नहीं। जैसे कि अगर मान लिया जाए ये चार्ज हमारा प्लस क्यू वाला चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा प्लस क्यू वाला चार्ज, और माइनस क्यू वाला चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टे डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, तो हम अगर देखें तो यहां पर कह सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि ये क्यू है, एफ बराबर क्यू इंटू ए, ये हमको क्या बताता है कि जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, या फिर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर हम F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई लिखते हैं तो हमारे पास जो फील्ड का डायरेक्शन है उससे अपोजिट किसका डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक
ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों का क्वांटिटी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, q into e मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक का प्लस डायरेक्शन है, एक का माइनस डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिफरेंट है, और ये डिफरेंट डायरेक्शन आया किसकी वजह से, चार्ज की वजह से आया, मतलब चार्ज के कारण से फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा या उसके अपोजिट होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए अगर देखते हैं कि यहां पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, जो डायरेक्शन फील्ड का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा कितना, प्लस क्यू इंटू ए। आई बात समझ में। चलिए नीचे वाले कॉर्नर पर देखते हैं, इसके पास चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है, चेंज हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है, यहां पर कितना फोर्स लगेगा, माइनस क्यू इंटू ए। इतना बात क्लियर है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि फोर्स बराबर होता है क्यू इंटू ई, ठीक है, अगर हम एफ बराबर क्यू इंटू ई लिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो फील्ड का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, और अगर एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम है अभी भी, लेकिन यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन वो फील्ड का डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस साइन आ गया, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाना, बात समझ ना, वेक्टर का ये रूल है, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल गया। अब हम देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक, और दोनों का डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि नेट फोर्स बराबर प्लस क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई, ठीक है, हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्या होता है, माइनस हो जाता है, अगर नहीं भी माइनस लगाएंगे तो हम अगर इस तरह से लिखेंगे तो प्लस माइनस, तो ऐसे भी माइनस हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को माइनस ले सकते हैं, ठीक है, कि एक हमारे पास इस तरफ डायरेक्शन है, एक हमारे पास उस तरफ डायरेक्शन है, यहां का साइन हटा देते हैं, ठीक है, सीधा सीधी ऐसी बात करते हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक, इक्वल मैग्नीट्यूड का है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, जीरो लगेगा, यानी कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है, हम कह सकते हैं देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, कब, हमेशा नहीं, कब, जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, वेन इंसर्टेड बिटवीन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एज जीरो, तो उस पर नेट फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है, जीरो। और ये बात पूरी तरह से हमेशा के लिए सही, इसका कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है, ये बात हमेशा सत्य है कि जब भी हम किसी डायपोल को अगर हम छोड़ देंगे, कब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा हमेशा, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। आप लोगों को याद होगा क्लास 11th, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, हमको पता है कि बहुत लोगों को क्लास 11th का तो सी भी याद नहीं है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, चलिए यहां पर दिखाते हैं। अगर कोई भी सिस्टम पर नेट फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो सिस्टम का मतलब, वो सिस्टम किस चीज में आ जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इसका मतलब वो सिस्टम जो है लिनियरली कोई मोशन नहीं करेगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। मोशन कितने तरीके से था, तीन तरीके से था, ट्रांसलेशन मोशन था, रोटेशनल मोशन था, और दोनों का मिक्स था, ठीक है, जिसको हम लोग शायद रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये तीन तरह का मोशन था, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन तभी होता था जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स मिलता था, यहां इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा।
अब यहां पर दूसरी बात करते हैं कि ये जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स तो खैर जीरो का ना, ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगा, लेकिन दोनों का फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ये डायपोल रखा हुआ है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो अलग अलग है कि नहीं। एक यहां पर फोर्स लग रहा है, एक यहां फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। अगर यही लाइन ऑफ एक्शन सेम ही होता, जैसे कि हम ऐसे लेंगे, ठीक है, ये डायपोल है, इधर एक फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो लाइन ऑफ एक्शन तो इसका सेम है। बट यहां पर तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, इसका यहां पर लग रहा है, इसके यहां पर लग रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा और नेट फोर्स जीरो रहेगा, तब भी ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन मूव करने का इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये ऐसे मूव करेगा, है ना, इस तरह से। खुद ही सोचा जाए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखें और ये तेजी से इधर खींच रहा है और ये भी इधर खींच रहा है, क्या ये रोटेट करना नहीं चालू कर जाएगा, रोटेट करना चालू कर जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहां पर होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ठीक है, और नेट फोर्स अगर जीरो है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा यहां पर टॉर्क, क्योंकि सर्कुलर मोशन में फोर्स की जगह जो फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने का काम करता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। यहां पर क्या ये फील करना शुरू करेगा, टॉर्क फील करना शुरू करेगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा या किस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। और रोटेट करने वाला एक्सिस कौन सा, ये सेंटर के अबाउट क्या करेगा, चारों तरफ घूमना चालू करेगा। यानी कि जब किसी पर नेट फोर्स जीरो हो और लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, तो बॉडी क्या करना शुरू कर देता है, रोटेशन करना शुरू कर देता है। और दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है, अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स है, दोनों तरफ इक्वल मास है, तो बॉडी कहां से रोटेट करता है, अपने सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। और यहां पर यह बॉडी क्या करेगा, हेंस बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ये अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेट करना शुरू कर जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का डिफिनेशन आप लोग को याद होगा कि टॉर्क बराबर होता था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि जितना फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से देखना होता है, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब वो पार्टिकल रोटेट कहां से कर रहा है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एक फोर्स यहां पर लग रहा है डायपोल पर, एक यहां पर लग रहा है, एक फोर्स यहां पर लग रहा है, तो एक बार यहां टॉर्क क्रिएट होगा, एक बार यहां टॉर्क क्रिएट होगा, मतलब टोटल कुल मिलाकर के दो टॉर्क इस पर क्रिएट होगा। तो नेट टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको वेक्टर वाइज सम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि टॉर्क बराबर टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू, ठीक है। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का साइन लगा देंगे। टॉर्क वन पहला वाला, तो टॉर्क वन बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का वैल्यू क्यू इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या इसका ये नहीं होगा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका। यहां से हम क्या किए, हम एक लाइन पैरेलल ले लिए फील्ड के पैरेलल, ठीक है, और इसको यहां से क्या किए ज्वाइन कर दिए, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, कहां से, इसके जहां पर से ये रोटेट कर रहा है बॉडी, ठीक है। और यहां पर क्या मिल जाएगा, उसी तरीके से यहां पर भी कर सकते हैं, इसको इधर बढ़ा करके यहां पर ज्वाइन कर देंगे। मान लिया जाए कि ये क्या कर रहा है, फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं, तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि पैरेलल लाइंस होता है यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है।
अगर ये थीटा है और ये एल है तो एंगल साइड होता है कॉस थीटा, अदर साइड होता है साइन थीटा, ये तो मालूम होगा ठीक है। वेक्टर के नियम से इस साइड कॉस थीटा और इस साइड साइन थीटा, हमको क्या चाहिए, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं एल साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क वन का वैल्यू। अच्छा डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होता है, या तो क्लॉकवाइज होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहां पर क्या दिख रहा है टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क कैसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ये ऐसे घूमेगा ना ठीक है, नहीं तो याद किया जाए ये जो है हमारा ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन है मोमेंटम का ठीक है। डायपोल में मैंने बताया था कि डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से लेकर के प्लस की तरफ होता है ठीक है, डायपोल मोमेंट का भी वही डायरेक्शन होता है, डायपोल का भी वही डायरेक्शन होता है, ये डायपोल का डायरेक्शन हो गया और ये किसका डायरेक्शन हो गया, फील्ड का डायरेक्शन हो गया, कहां से डायपोल से फील्ड, कौन डायरेक्शन में भाग रहा है क्लॉकवाइज, तो हम इसको लिख सकते हैं क्लॉकवाइज प्लस। दूसरे टॉर्क की बात करते हैं तो दूसरा वाला टॉर्क का फोर्स हो गया फिर से क्यू इंटू ई ठीक है, क्यू इंटू ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसका निकाले तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही निकलेगा एल साइन थीटा, किसी को कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है तो मैं बना देता हूं, इसको यहां से ज्वाइन करना है, इसको यहां पर मिलाना है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा हो जाएगा, एंगल साइड कॉस अदर साइड साइन, फिर से एल साइन थीटा आ जाएगा ठीक है। अच्छा किसका डायरेक्शन क्या होगा, जब ये इधर घूमेगा ये वाला ऊपर की तरफ भागेगा है ना, मतलब इसका डायरेक्शन भी कहां चला गया क्लॉकवाइज चला गया ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्या होता है एड हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पर प्लस का साइन लगाया है ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों का अगर मिला दिया जाए तो टू इंटू क्यू ई एल साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मिलकर के क्या बना देगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा अब इसको हम लिख सकते हैं क्यू इंटू टू एल इंटू ई साइन थीटा, डायरेक्शन वही रहेगा क्लॉकवाइज ठीक है, और ये क्यू इंटू टू एल क्या था, ये डायपोल मोमेंट था, P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, इसको लिख सकते हैं P इंटू ई साइन थीटा, क्या टॉर्क बराबर P इंटू ई साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है हमारा क्लॉकवाइज। तो इसको देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये A क्रॉस B का फॉर्म बन रहा है, याद होगा आप सभी को कि A क्रॉस B बराबर होता था ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर n ठीक है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, इसका काम क्या था डायरेक्शन बतलाना, ये दोनों मैग्नीट्यूड था और थीटा क्या था एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहां पर पीई साइन थीटा आया, पीई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, ये निकल गया टॉर्क का वैल्यू, जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क का क्या यहां पर डिफिनेशन हो गया, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं टॉर्क कहते हैं ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है पी क्रॉस ई है ना क्लॉकवाइज, पी क्रॉस ई कैसे डायरेक्शन निकालते थे क्लास इलेवेंथ में याद होगा आप लोगों को, जो जो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं क्लास इलेवेंथ तो डेफिनेटली पढ़े होंगे, उनको याद होगा कि डायरेक्शन हम निकालते हैं किस पर, जहां पर जिस जगह पर डायरेक्शन उनको निकालना है वहां पर राइट हैंड का रूल लगाते हैं राइट हैंड का ठीक है, तो यहां पर पी क्रॉस ई क्या रहा है क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब अभी भी डायरेक्शन वही चीज शो कर रहा है, इसका मतलब है कि टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा पी क्रॉस ई हो जाएगा, और थीटा यहां पर क्या होगा थीटा किसके बीच का एंगल होगा, थीटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल के बीच का एंगल है, नहीं थीटा जो एंगल है वो पी और ई के बीच है, पी को क्या कहते हैं डायपोल मोमेंट ठीक है, वेयर यहां पर नोट कर देते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, यहां तक बात क्लियर है आप लोग यहां तक नोट कर ले।
अब देखते हैं कि ये डायपोल में अगर इस डायपोल को घुमा दिया जाए तो मैक्सिमम टॉर्क कहां मिलता है और मिनिमम टॉर्क कहां मिलता है। नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं, अगर यहां पर वापस से इसको पहले जैसा लिखें कि टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, वापस से पहले जैसा, ठीक है, पीई साइन थीटा, तो यहां पर साइन थीटा है तो टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है, अगर हम व्हेन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लें, थीटा का वैल्यू 270 डिग्री ले लें, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में टॉर्क का सिचुएशन क्या होगा, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा पीई साइन 90 या फिर पीई साइन 270। क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू सभी को पता होगा 1 होता है, ठीक है, तो हम यहां पर से लिख सकते हैं, ये पहला केस है हमारा, यहां पर से लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू पीई इंटू 1 और PE साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, -1 यानी कि PE या फिर -PE यानी कि हम इसको कह सकते हैं प्लस माइनस PE, ठीक है, यानी कि टॉर्क का वैल्यू या तो प्लस PE होगा या तो माइनस PE होगा, प्लस और माइनस क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को, ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि माइनस में आ गया तो मिनिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम हो गया, प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, प्लस बताएगा क्लॉकवाइज को तो माइनस बताएगा एंटी क्लॉकवाइज को, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहां पर प्लस पीई आने का मतलब क्या होगा, हम यहां पर डायपोल को कितना एंगल पर रखें, 90 डिग्री पर, ये रहा यूनिफॉर्म फील्ड और ये है हमारा डायपोल, ठीक है, तो यहां पर डायपोल देखा जाए तो डायपोल से मैक्सिमम फील्ड से लिंक करता है, तो जितना ज्यादा फील्ड लिंक करेगा उतना इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उतना इसको मजबूर करेगा घूमने पर, उतना ही तेजी से क्या होगा, घूम करके इस लाइन में अलाइन होने का कोशिश करेगा। और एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत बड़ा क्या है, स्वार्थी आदमी है, ये चाहता है कि डायपोल को जब भी रखें इसको अपने लाइन में अलाइन कर ले, मतलब यहां पर डायपोल का कोई काम नहीं, यहां पर जो भी काम है सब इलेक्ट्रिक फील्ड काम करवा रहा है, वही सर्वे सर्वा है, वही चाहता है कि जो भी डायपोल को रखे वो मेरे लाइन में आकर के अलाइन हो जाए, और जिसके कारण से वहां पर क्या हो रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस क्या होगा, या तो 90 डिग्री में या फिर 270 डिग्री में, ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हुआ, 270 डिग्री हो गया, ठीक है, या तो 90 डिग्री या तो 270 डिग्री, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, टॉर्क मैक्सिमम होता है, ठीक है, यहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, आई बात समझ में। चलिए दूसरे तरफ से केस समझते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तब ऐसे सिचुएशन में टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, पीई साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, पूरे टॉर्क को कर देगा 0, अगर थीटा का वैल्यू 180 लेते हैं, साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है 0, वहां पर भी टॉर्क क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो इस सिचुएशन में टॉर्क इस पर कैसा फील होता, मिनिमम टॉर्क फील होता, मतलब सबसे कम टॉर्क फील होता है, जैसे कि देख सकते हैं आप ये फील्ड है हमारा, ठीक है, और इसके बीच में हम एक डायपोल डाल दिए कितना डिग्री पर, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पर, ठीक है, तो इस पर फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बहुत ही कम इस पर जा रहा है, लिंक कर पा रहा है, यहां पर फील्ड लाइन बहुत ज्यादा लिंक कर पा रहा था, ठीक है, इसी कारण से टॉर्क ज्यादा था, यहां पर टॉर्क क्या है, कम है, आ रही बात समझ में, ठीक है, ये टॉर्क के बारे में बात हो गई। अब यहां पर एक चीज और बात करते हैं कि अभी जैसे कि मैंने पहले बताया, मैंने बताया कि फील्ड लाइंस जो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बहुत ही स्वार्थी किस्म का होता है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि डायपोल को अपने ही लाइन में अलाइन करने का कोशिश करे, ठीक है, ये रहा फील्ड, ठीक है, ये रहा फील्ड और ये रहा डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू,
तो ये क्या चाहेगा कि ये जो प्लस क्यू वाला है इसकी तरफ झुक जाए, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो ऐसा रहेगा, डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ डायपोल का डायरेक्शन रहेगा, तो ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा, और जाते जाते क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये पैरेलल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सेम लाइन में अलाइन कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं अस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, जब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग करेंगे यही सब छोटा छोटा बात आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, ठीक। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई फील्ड है और ये डायपोल जो है थोड़ा उल्टा हो गया, ऐसे लिंक हो गया, ठीक है, प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर, तो डायपोल का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो गया, तो अपोजिट हो जाने की वजह से ये वाला पॉजिटिव पार्ट जो हमेशा चाहेगा कि हम उधर की तरफ जाना चाहे, है ना, और ये चाहेगा इधर की तरफ आना चाहे, यहां पर तो आकर के स्टेबल हो गया, ये क्या होगा, जैसे ही इस लाइन में अलाइन होगा ये पॉजिटिव वाला यहां पर आएगा, निगेटिव वाला इधर आएगा, जैसे ही इस लाइन में अलाइन होगा यहां पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये तो अभी नहीं रुकेगा ना, इसको अभी पॉजिटिव को यहां है, निगेटिव को यहां है, अभी भी इस पर टॉर्क फील होगा, ठीक है। हालांकि टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाता है, मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल नहीं रह पाता है, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये था कहानी आपका टॉर्क का, कि जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क कितना फील होता है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अगर फिर भी ना समझ में आए तो दोबारा इसको अच्छे से देखें, थोड़ा सा 11th का बेसिक्स कंसेप्ट वेक्टर का यूज किया गया है, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन का सेंटर ऑफ मास टर्म यूज किया गया है, उसको देखें, उसको समझें, ठीक है, और वीडियो फिर धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यही लाइक मुझे और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए इंड्यूस करता है। आप बात को समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज से अगर प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, तो वो चीज करने में ज्यादा ही मजा आता है। मान लिया जाए कि आपको कुछ खेलने दे दिया जाए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स लोग को लूडो पसंद है, कैरम पसंद है, इंडोर गेम्स पसंद है, तो खेलने दे दिया जाए, ठीक है, तो उन लोगों का टाइम कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन यही उसके विपरीत अगर खेल खेलने दे दिया जाए जो उसको खेलना ही पसंद नहीं है, तो चीज बोरिंग लगने लगता है, नहीं खेलने का मन करता है, ठीक है। चाहे किसी भी, सिर्फ खेल के रिस्पेक्ट में नहीं, किसी भी रिस्पेक्ट में ले ले, जिस चीज में आपको मन लगता है वो चीज करने में आपको बहुत मजा आता है और बार बार करने का मन करता है, सेम सबके साथ ऐसा ही सिचुएशन है। उसी तरह से जब आप लोग का मैं लाइक देखता हूं, व्यूज देखता हूं कि हाँ मेरा वीडियो लाइक हो रहा है, पसंद आ रहा है सबको, वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, तो मुझे भी प्रसन्नता मिलती है और मैं और भी ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज इन्हीं के साथ आप लोगों का अलविदा कहता हूँ, मिलेंगे फिर अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए शुक्रिया।